हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल एडर के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर में क्या था, वो दो बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता था, लेकिन जब बिट्स ज़्यादा हो जाएं तो उसमें क्या, बिट्स ज़्यादा हो जाएंगी तो मल्टीपल कैरी आने के परफॉर्म चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फुल एडर जो होता है 3 बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हम इसमें 3 बिट्स यूज़ करने वाले हैं फुल एडर के लिए। तो फुल एडर जो क्या करता है, 3 बिट्स पे ऑपरेशन करेगा। ठीक है, 3 बिट्स को ऐड करेगा। देखिए, उसका सबसे पहले उसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तीन बिट पर करेगा, यानी 3 इनपुट चाहिए मुझे। तीसरे को मैंने कह दिया सी इन, ठीक है, क्योंकि एक सम का लिया होगा, एक कैरी के लिए आउटपुट जो होगा। तो अब इसके लिए क्या, 3 इनपुट 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब क्या करना, इनका सम और कैरी करके यहाँ पता लगाना। तीनों को सम करूँगा 0, ये भी 0। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो गया, कोई कैरी नहीं। 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, कैरी कोई नहीं। नेक्स्ट 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, सम 0 कैरी 1। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा, सम कैरी 0। नेक्स्ट 1 प्लस 0 1 प्लस 1, सम 0 कैरी 1। नेक्स्ट 1 प्लस 1, सम तो हो गया 0 कैरी 1। 1 प्लस 1, सम 0, 0 प्लस 1 अगेन 1 हो गया, कैरी ऑलरेडी बन जा चुका। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना। अब इसके लिए क्या करेंगे, समीशन एम सम के लिए लिख रहे हैं हम। सबसे पहले समीशन एम, तो सम कहाँ कहाँ पे, 1 पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये कौन कौन सी पोजिशन है, 1 2 4 7, 1 2 4 7 कैरी के लिए लिखो समीशन एम। कौन कौन सी पोजिशन, 3 5 6 7, 3 5 6 7। तो ये हमने लिख दिया सम और कैरी के लिए लिख दिए भाई। इसको बस सोल्व करो, इसका बनाओ, के मैप से सोल्व कर लो इसको। के मैप से सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन, ए बी सी सी इन। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2 4 5 7 6। तो इसके लिए जब लिखेंगे कितना आ जाएगा, कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है 2 पे है 4 और 7। तो किसी का पेयर नहीं बनना, ठीक है, सब सिंगल सिंगल रहेंगे। तो इसके लिए सम के लिए जब मैं लिखूंगा क्या आ जाएगा, सम के लिए लिखो, पहले इस वाले के लिखता हूँ मैं, ए बार बी बार सी इन, ए बार बी बार सी इन। ठीक है, प्लस ए बार बी सी इन बार, प्लस इस वाले के लिए लिखो ए बी बार सी इन बार, इस वाले के लिए लिखो तो ए बी सी। ठीक है, बी सी इन। तो ये सम के लिए आ चुका, ऐसे कैरी के लिए लिखो, जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स। कौन कौन सी पोजिशन है, 3 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास एक ये पेयर, एक ये और एक ये, तीनों पेयर की वैल्यू लिखो यहाँ पे। सी इन की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, पहले मैंने इसके लिए लिखी ऊपर वाले के लिए, यहाँ से आ जाएगा ये बी सी, और इस वाले पेयर के लिए लिखी मैंने ए, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी वाला चेंज हो गया, ए सी। इस वाले के लिए लिखो ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, सी वाला चेंज हो गया। ठीक है, तो सॉरी ये सी इन है, ये केवल सी कैरी के लिए लिख रहे हैं ना, तो जो ये सी इन तो क्या है हमारा इनपुट। ठीक है, तो ए ए सी इन, बी सी इन और ए बी।
ये आ चुका हमारे सम और कैरी का एक्सप्रेशन आ चुका। अब इससे ज्यादा कहीं कहीं पर सोल्व किया रहता है, कहीं कहीं पे इस, देखो इससे ज्यादा और क्या सोल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन, एक ए बार कॉमन, क्या बचा है यहाँ पे बी बार सी इन, यहाँ पे बी सी इन बार, ए बी बार सी इन बार बी सी इन, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये क्या एक्सोर और ये है एक्सोनोर बी ओ सी का, तो ये किसका बी एक्सो सी इन और ये क्या है बी सी इन का बी ओ सी क्या एक्सोनोर, ठीक है। तो ए एक्सोनोर, ए एक्सोर अगर इसको मैं एक्स कह दूं पूरे को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सोर एक्सोनोर अपोजिट होते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये यहां पे देखो ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, तो ये क्या हो गया ए क्या बन रहा है, ये ए एक्सोर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन। कहीं कहीं पे सम के लिए ये एक्सप्रेशन भी यूज किया रहता है, ठीक है। तो सम के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक ये वाला। ऐसे कैरी के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर हमसे कोई कैरी के लिए कहे क्या कैरी के लिए भी बना सकते हो क्या कुछ, देखो कैरी के लिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये तो सम का हो गया, अगर मुझे कैरी का बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, ए बी यहाँ पे लिखा मैंने ए सी इन, यहाँ पे क्या किसी कमी है बी की, और यहाँ पे ए सी वाले के लिए लिख दिया, बी सी वाले के लिए यहाँ पे किसी कमी है ए की, तो सी इक्वल्स टू ए बी अंदर इसके का कर लो ए बी सी इन ए बी बार सी इन, ये हो जाएगा ए बी सी इन ए बार बी सी इन, तो ये कितना आ गया ए बी, ए बी मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है। देखो ए बी सी इन दो जगह है, एक यहाँ एक यहाँ, केवल एक ही बार यूज होता है एक एक चीज, तो वन प्लस यहाँ पे कितना बचेगा सी इन। अब ये बचा है यहाँ पे इन दोनों में, देखो क्या बचा इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से सी इन कॉमन दोनों में से, इन दोनों में से देखो तो यहाँ पे कितना बचेगा ए बी बार और यहाँ पे ए बार भी, तो वन प्लस सी इन वन प्लस समथिंग वन ही हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा ए बी, ए बी बार प्लस ए बार बी कितना हो जाएगा ए एक्सोर बी। कहीं कहीं पे सम कैरी के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया रहता है, ठीक है। ये ए वाला भी याद रखना, ये भी याद रखना, दोनों इसके लिए याद रखने, ठीक है। इन इसके बस हमें सम और कैरी का ही बस वो याद रखना। तो हमने इस वीडियो में जाना हाफ एडर के बारे में, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ सबट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।